और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आई होप कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद जितने भी शाहरुख खान फैंस है आप लोग झूम उठोगे। बात यह है कि अगर आप लोग विकिपीडिया को फॉलो करते हो तो उसके ऊपर इससे पहले दो दिन पहले जब 25 अगस्त का जो डेट है काफी रूमर्ड हुआ था, तो विकिपीडिया के अंदर जो जवान का रिलीज डेट था तो 25 अगस्त किया गया था। लेकिन अभी अगर जाके चेक करोगे, मैंने कल रात को भी चेक किया था, 25 अगस्त ही था, और अभी जाके वहां पे अगर चेक करोगे तो डेट बदल चुका है। कह सकते हो कि कुछ घंटों के अंदर ही डेट यहाँ पे पूरी तरह से बदल चुका है। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको देख के ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, भाई अभी फिर से 2 जून वाला रिलीज डेट को डाल दिया गया। इससे आप लोग क्या इशारा समझ सकते हो कि विकिपीडिया के अंदर, हाँ ज्यादा तो लोग विश्वास नहीं करते कि इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे डाला जाता है, लेकिन भाई आई होप कि इस इतने कम घंटे के अंदर इस चीज को किया गया, अपडेट किया गया, तो इसका मतलब क्या आप इशारा समझ सकते हो कि ये ऑफिशियल न्यूज से आया है और आज के दिन क्या कुछ धमाका हो सकता है। तो वेट करो, बाकी पूरा वीडियो देखो, आप लोगों को पता चल जाए। जब तक ऑफिशियल अपडेट आएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। तो चलो भाई साहब, बात करने वाले जवान के टीजर के बारे में, बात करने वाले जवान मूवी के बारे में। जो गर्मा गर्मी सीन चल रहा है भाई इस मूवी को लेके, वो अलग लेवल सीन, और फैंस भाई अलग ही लेवल टशन मना रहे। मतलब थोड़ा सा उम्मीद का किरण जागता है तो भाई साहब फैंस अलग ही लेवल से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि ये मूवी नहीं, ये शाहरुख खान फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन ही तो है जो कि शाहरुख साहब अपने मूवी के माध्यम से सभी फैंस को देने वाले हैं, और उसका इंतजार लोग नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए जब से 2 जून वाला डेट ये चीजें हुआ, फैंस लोग जो कि काफी ज्यादा नाराज है, उन लोगों को चाहिए था कि ये मूवी 2 जून को ही आए और हमारा वेट ओवर हो और हमें देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वेट इज ओवर, यानी जितना इंतजार किया है वो खत्म है, अब अपडेट इज लोडिंग, चीजें आने वाला है। इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि जो टीजर वाला अपडेट मैंने आप लोगों को दिया, और अभी वही सेम चीजें आप लोग कह सकते हो, यानी टीजर इज लोडेड, खाली इसको रिलीज होना बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार करे, चीजें आने वाले। तो आज है 6 ऑफ में, कल के दिन काफी इंतजार था कि भाई कल के दिन शायद कुछ आ सकते हैं मेकर्स की तरफ से, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कुछ ट्वीट, कुछ तो आ जाए जिसके हमें देखने को मिलेगा, भाई इस तरह से चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन कल के दिन कुछ नहीं आया, मेकर्स एकदम चुप कि नहीं भाई हम कुछ नहीं करने वाले, एकदम टशन से एकदम सख्त लौंडा बन के बैठे हुए कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और आज है 6 ऑफ में, और जो अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग जवान का जो टीजर है वो आप लोगों को 2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, या तो 6 तारीख आज के दिन या फिर 7 तारीख कल के दिन टीजर के रिलेटेड आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। अभी ऑफिशियल ट्रेलर डायरेक्ट रिलीज हो या फिर अनाउंसमेंट हो या फिर पोस्टर हो, कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उस टीजर पोस्टर या फिर जो भी चीजें या फिर एक सिंपल सा ट्वीट ही क्यों ना हो, चीजें आने वाला है। तो रेडी रहो क्योंकि चीजें अभी लोडेड है, आप लोगों को देखने को मिले। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो भी मटेरियल, जो भी चीजें ये लोग रिलीज करेंगे भाई, रिलीज डेट इंक्लूड रहेगा। जो यहाँ पे भसन मचा पड़ा हुआ है ना कि रिलीज डेट को लेके, भाई नए नए रिलीज डेट का यहाँ पे खोज किया जा रहा है भाई सब अलग ही लेवल। पहला क्या था, 2 जून वाला, वो तो एकदम कंफर्म था, फिर यहाँ पे रूमर आया कि भाई पोस्टपोन्ड हो रहा है, कोई ऑफिशियल नहीं है भाई, यहाँ पे 29 तारीख को चीज आएगा, फिर यहाँ पे 29 तारीख वाला भी खत्म हुआ, फिर यहाँ पे देखने को मिला क्या 25 अगस्त। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी भाई लग भी रहा है कि 50-50 चांस कि 2 जून को भी मुझे लग नहीं रहा कि आने वाला है, अभी 25 अगस्त को आएगा, और वहां पे भी काफी बड़े बड़े मूवीज है, एनिमल है, गदर 2 है, तो काफी बड़े बड़े मूवीज वहां पे भी मौजूद है। तो इसके हिसाब से भी कहा जा रहा है, कुछ यहाँ पे मीडिया पब्लिशर जो है, कुछ बड़े बड़े पेजेस है उसके अंदर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है एक नया रिलीज यहाँ पे सामने आया वो है 7 सितंबर का। अब इन महीनों से निकल के जवान अब सितंबर के महीने में शिफ्ट हो रहा है और 7 तारीख को ये मूवी रिलीज होता हुआ नजर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े ट्रेड वाले पब्लिशर वाले पेजेस के ऊपर और क्रिटिक्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी भाई अब ये नया रिलीज डेट है, इसके ऊपर जवान रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो भाई अभी किसी चीज के ऊपर ध्यान मत दो, कान अपना बंद कर लो, अभी थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखो क्योंकि मटेरियल्स पूरी तरीके से रेडी है, खाली इसको रिलीज होने, जैसे ही सभी चीजें एक के बाद रिलीज होगा आप लोगों को इजिली पता चल जाएगा, और उसके ऊपर अगर 2 जून वाला रिलीज डेट हुआ ना भाई साहब तबाही हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि पहले दिन से लेके अभी भी ना 2 जून वाला डेट मेरे को लग रहा है, बट अभी ये सीन्स इन सिचुएशंस को देखते हुए भी मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, बट अभी देखते हैं क्या होता है, 50-50 चांसेस में मानकर चल रहा हूं कि चीजें हो सकता है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन भाई टीजर का जो भी चीजें है अपडेट है वो लोडेड है, खाली इसका इसे ढंग ढंग करके रिलीज करना बाकी है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे आज के दिन, या फिर जो मैंने आपको कहा कल के दिन चीजें आने वाले, तो थोड़ा सा वेट करें। आप लोग मेरे को ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का जो नाम है यहाँ पे मैं लिख दूंगा,
वहां पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे भी अपडेट अभी देना स्टार्ट में कर चुका हूँ, तो जाके वहां भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक एज डिस्क्रिप्शन है, वहां भी मेरे को जाके डीएम कर सकते हैं। तो जैसे ही चीजें ऑफिशियल होने वाले और रिलीज होने के कदार पे होंगे, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को भी देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।